हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी चॉकलेट बॉल लेकर आई हूं। इसे आप बनाकर महीने भर स्टोर भी कर सकती हैं। ये बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी में हम गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 15 पैकेट पार्ले बिस्किट लिए हैं। ये सभी बिस्किट मैंने पैकेट में से निकाल कर बाउल में डाल लिए हैं। अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। हमने सभी बिस्किट मिक्सी में पीस लिए हैं। अब इसे हम छानेंगे। इसे छानने से ये होगा कि इस बिस्किट के जो बड़े पार्टिकल हैं वो सब अलग हो जाएंगे। ये सभी बिस्किटों का पाउडर मैंने छान लिया है। इसमें सिर्फ इतना सा बचा है, इसे हम अब इसमें मिलाएंगे नहीं, हटा देंगे। इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप हर्शीज की चॉकलेट सिरप भी डाल सकती हैं या बॉर्नविटा भी डाल सकती हैं। एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर का डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोको पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें क्रीमी टेक्सचर डालने के लिए इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम का यूज करेंगे। आप दूध की मलाई भी ले सकती हैं, नहीं तो आप बाजार से फ्रेश क्रीम भी ला सकर इसमें डाल सकती हैं। अब हम इसका डो बनाएंगे। इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच दूध का डालेंगे और दूध हम थोड़ा ही थोड़ा करके डालेंगे, ऐसा ना हो कि हमारा ये पतला हो जाए। जैसे हम आटा सॉफ्ट गूंदते हैं वैसे हमें इसे गूंदना है। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हमारे सभी बॉल्स बन चुके हैं। इसे हम 5 से 10 मिनट डीप फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज कर रहे हैं, चाहे तो किसी और चॉकलेट का भी यूज कर सकती हैं। अब हम इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रो में मेल्ट करेंगे। हम बस इतनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त हम बड़ा चम्मच बटर का डालेंगे और फिर इसे मेल्ट करेंगे। चॉकलेट हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें बॉल्स डालेंगे। बॉल्स को अच्छी तरह कोट करेंगे और धीमे से इसे निकाल लेंगे। और बटर पेपर मैंने पहले से बिछा रखा है, बस इसमें डालते जाएंगे। ये बॉल्स मैंने सभी कोट कर दिए और इन्हें डेकोरेट कर दिया है। अब इसे बटर पेपर पे हम 5 मिनट और छोड़ेंगे और फिर हम इसे प्लेट में निकालेंगे। चॉकलेट बॉल हमारे बनकर तैयार हैं। इसे आप किसी भी पार्टी में बनाकर अपने मेहमानों के सामने पेश कर सकती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।